हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ पूजा कुमारी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी कोई अच्छे होंगे। और जितने भी मैंने पिछले वीडियो बनाए होंगे, आपने इकोनॉमिक्स का और कॉमर्स का जो अकाउंट वाला है आपने देखा होगा। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप ई कॉमर्स जोन में लॉगिन करिए और आप उसके प्लेलिस्ट में जाइए, आपको प्लेलिस्ट में सारे चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, चलो लिस्ट स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, हमने कहा था पिछले वीडियो में कि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको डिस्कस करूँगी। तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स में अपने को क्या डिस्कस करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यू कैन सी कि विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने, जितने अलग अलग इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्र के अभिप्राय को, जो अर्थशास्त्र का जो डेफिनेशन है उसके समझाने का जो अभिप्राय जो है को, एवं अर्थशास्त्र के विषय सामग्री जो उसका सब्जेक्ट मैटर को, भिन्न भिन्न रूपों में, अलग अलग रूप में प्रस्तुत हर अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने किया है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों के भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों को चार वर्गों में बांटकर अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को विश्लेषण किया जा सकता है। तो ये जो सब्जेक्ट मैटर है इकोनॉमिक्स का हमारा, उसको चार भाग में डिफाइन किया गया है और उसके बेस पर हम लोग स्टडी इकोनॉमिक्स को करते हैं। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पे ये जो छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स नंबर 4 आपको दिख रहा होगा। तो ये बॉक्स नंबर 4 में आपको बोल रहा है हेडिंग में कि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री विभिन्न विचारधाराएं यहाँ पे दी गई हैं, जिसमें नंबर 1 ये चार जो आपके हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बिहार बोर्ड के लिए भी और झारखंड बोर्ड के लिए भी, क्योंकि दोनों में ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और थियोरटिकल अगर आना होगा तो हार्डली 2 मार्क्स में डेफिनेशन में पूछता है। ठीक है, ज़्यादा डेप्थ इसमें नहीं पूछेगा क्लास 12 में, बिकॉज एक्चुअली ये जो इंट्रोडक्शन चैप्टर है ये क्लास 11 का मेन टॉपिक था। यहाँ बस आपको जस्ट एक हाईलाइट किया जा रहा है, जस्ट एक किरण दिखाई जा रही है, दैट्स इट। ठीक है, तो मेन जो फोकस आपको करना है कि किस इकोनॉमिस्ट ने किस विचारधारा को दिया है और उस इकोनॉमिस्ट को किस इकोनॉमिस्ट ने सपोर्ट किया है, उसके समर्थन में है, उसके पैलर में खड़ा था, तो बस इतना माइंड में आपको रखना है। चलिए, सबसे पहला तो हम जानते हैं कि एडम स्मिथ इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, सॉरी इज़ नॉट, एडम स्मिथ जो थे आपके वो क्या कहलाते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहलाते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे धन संबंधी विचारधारा, एडम स्मिथ का जो विचारधारा था वो किससे रिलेटेड था, वेल्थ से था, धन संबंधी से था। आप प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों में थे वो एडम स्मिथ, और इनका साथ दिया था वॉकर और सीनियर ने, सीनियर नाम है यहाँ पे। ठीक है, फिर आपके सेकेंड नंबर में कल्याणवादी विचारधारा, कल्याणवादी विचारधारा को जो दिया था वो थे मार्शल, मैंने हाईलाइट कर दिया है, मार्शल ने दिया था, इनको सपोर्ट किया था पीगू और कैनन ने। ठीक है, फिर आपका जो थर्ड नंबर है दुर्लभता संबंधी विचारधारा, इनको दुर्लभता संबंधी जो विचारधारा दिया था वो रॉबिन्स ने दिया था, इसको सपोर्ट किया था विकस्टिड, और भी लोगों ने किया था बट यहाँ पे आपको इतना नाम दिया, इट इज़ एनफ फॉर यू। ठीक है, 4 नंबर है विकास केंद्रित विचारधारा, जिसको जो विचारधारा जो दिया था वो सैमुलसन ने दिया था। तो ये चार आप माइंड में रखोगे, ये 100% क्वेश्चन क्लास 12 में ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन में पूछता है कि किसने, किस इकोनॉमिस्ट ने कौन सी विचारधारा दिया था और किसके समर्थन में खड़ा था। मान लीजिए कभी ऐसे ही पूछ देगा आपको कि मान लीजिए धन संबंधी विचारधारा में के साथ सपोर्ट करने में या दृष्टिकोण के समर्थन में कौन थे, वॉकर थे, कैनन थे, या विकस्टिड थे, या सैमुलसन थे, आपके माइंड में रहना चाहिए वॉकर थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आप थोड़ा सा जो हमारे बुक में जो दिया है इनकी विचारधारा दो दो लाइन की है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, इट इज़ एनफ फॉर यू, राइट। चलिए, नंबर 1 आप देख सकते हो धन संबंधी विचारधारा, वेल्थ कंसेप्ट, धन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेल्थ, विचारधारा कंसेप्ट। तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों में एडम स्मिथ जो थे और उनके साथ साथ जेबी से, फिर वॉकर थे, फिर सीनियर, ये जो आदि थे, इन्होंने धन, इसके इन्होंने धन को ज़्यादा महत्व दिया था, इसके अर्जन को, कि कैसे आप मतलब अपने अर्थव्यवस्था में, अपने जो आपका जो अर्थव्यवस्था है उसमें कैसे आप धन को अर्जन कर सकते हो, एवं कॉमा देखो लगा हुआ है, वितरण एवं प्रयोग को अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में सम्मिलित किया है। यहाँ पे 3 वर्ड को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, एक तो धन, धन को कैसे अर्जन करना है,
ठीक है, तरीका क्या है? वितरण यहाँ पर है डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे सब में आप उस धन को क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, एवं प्रयोग। क्योंकि देखो, अगर आपको कुछ भी कमाना है पैसा, तो कुछ ना कुछ तो प्रयोग इनोवेटिव तो करना ही पड़ेगा ना, ठीक है? तो ये तीन वर्ड को लेकर के वो काम कर रहे हैं, धन, वितरण और प्रयोग को अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में उन्होंने सब्जेक्ट मैटर में क्या किया, सम्मिलित किया। इन अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में आर्थिक मानव एवं उसकी क्रियाओं को सम्मिलित किया है, ठीक है? जो भी आर्थिक, जो आर्थिक मानव, यानी कि जैसे कि मैं जो काम कर रही हूँ, मेरी सारी एक्टिविटी में क्या है, आर्थिक है। आर्थिक मानव एवं उसकी क्रियाओं, जो भी एक आर्थिक मानव जो है, जो आर्थिक एक्टिविटी कर रहा है, उसकी जो भी और भी क्रियाएं सम्मिलित किया है। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन का क्या है, विज्ञान है। इस चीज़ को भी इंपॉर्टेंट रखो। कभी कभी ये स्टेटमेंट क्या करता है एग्जाम में, ये जो स्टेटमेंट है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये स्टेटमेंट दे देगा और बोलेगा कि आपको बताओ ये किसने बोला है। तो आप याद रखिएगा, एडम स्मिथ ने बोला। अब एक चीज़ यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दूँ आपको, ज़रा सा थोड़ा सा मेरे कुछ नोट्स में बने हुए हैं, थोड़ा सा यहाँ पे देखोगे, स्क्रीन को थोड़ा मैं छोटा कर दे रही हूँ जिससे दिखे आपको। एक मिनट, अब दिख रहा होगा। थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। ऐसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखो यहाँ पे व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, मत देखो, नंबर वन यहाँ पे देखिएगा। 1776 में एक किताब आई थी, एन इंक्वायरी इन टू नेचर, एन इंक्वायरी इन टू नेचर, एन इंक्वायरी इन टू नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ये बुक एडम स्मिथ ने लिखी थी। मनुष्य, देखो जैसे कि ये जो इंग्लिश में लिखा, पूरा ही किताब का नाम है, एन इंक्वायरी इन टू नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। एक इसका हिंदी जो वर्ड है, मनुष्य धन का उत्पादन तथा उपभोग किस प्रकार करता है, मतलब सेम टू सेम ट्रांसलेट हिंदी नहीं है, मतलब कहने का मतलब है कि इन्होंने इस किताब में जो बेसिकली जो डिफाइन किया था, उन्होंने कहा कि जो मनुष्य है, जो भी धन है हमारे पास, ठीक है, धन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमारे पैसे के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है, हर कंट्री का अपना एक रिसोर्सेज है, ठीक है? तो मनुष्य धन का उत्पादन, वो कैसे उस धन का उत्पादन करे तथा उसका उपभोग किस प्रकार करता है, उसके बारे में हमें स्टडी करना चाहिए इकोनॉमिक्स में। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जानते ही हो, एडम स्मिथ हैं, और इनकी जो जन्म हुई थी वो 16 जून 1723, ये आपको कभी एग्जाम में पूछेगा नहीं, बस जस्ट बेसिक नॉलेज रख रखोगे इसको। और डेथ जो हुई थी 17 जुलाई 1790 में हुई थी, ठीक है? और ये जो थे वो स्कॉटिश इकोनॉमिक्स थे, बस इतना बेसिक ज्ञान इनके बारे में आप रख सकते हो, एडम स्मिथ के बारे में, ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक चीज़ दिखाऊंगी, और एक सेकेंड, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश में है, जैसे कि आप देखो यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स में जैसे नंबर वन लिखा हुआ है, वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन। इनका जो एडम स्मिथ का जो डेफिनेशन था, वो पूरा का पूरा डिपेंड था धन के ऊपर, वेल्थ के ऊपर। तो जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, और साथ में हाँ, ये एक मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ना उनको बोल करके उस टाइम को बोला जाता है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के तहत आते हैं, लाइक एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो एंड जेबी से। अभी हमने देखा किताब में जेबी से भी लिखा हुआ था, डिफाइन इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ वेल्थ। इन लोगों के अनुसार जो धन जो है वो क्या है, धन, अभी जस्ट हमने ये स्टेटमेंट पढ़ा था यहाँ पर कि अर्थशास्त्र धन का क्या है, विज्ञान है, उसी चीज़ को इंग्लिश में लिखा हुआ है। एडम स्मिथ द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स इन हिज बुक, अपने बुक के अनुसार वो क्या है, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स इन हिज बुक। एंड इनकी जो बुक थी वो क्या थी, एन इंक्वायरी इन टू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इन्होंने ये चीज़ को डिफाइन किया था 1776 में।
क्या बोला, इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द वेल्थ ऑफ ए कंट्री एंड इट्स ग्रोथ। इनका मानना था कि जो इकोनॉमिक्स है, जो हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, जो अर्थशास्त्र जो हम पढ़ते हैं, इसके मदद से हम इंक्वायरी करते हैं बहुत सारे फैक्टर्स में, बहुत सारा जो फैक्टर्स है हमारा उसमें इंक्वायरी हम करते हैं। एंड वही जब हम इंक्वायरी करते हैं, इस चीज़ को समझते हैं कि इंक्वायरी किसी भी मामले में आपके नेचर्स को लेकर के, कि आपके रिसोर्सेज में क्या क्या है, आपके नेचर्स में, आपके देश के अंदर क्या क्या है, क्या क्या आप कर सकते हो, आप बहुत कुछ का इंक्वायरी करते हो, फैक्टर्स किन किन फैक्टर्स को लेकर के आप प्रोडक्शन कर सकते हो, ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। वो डिटरमाइन करता है कि द वेल्थ ऑफ ए कंट्री एंड इट्स ग्रोथ, वो डिटरमाइन करता है कि तुम्हारे जो देश का जो वेल्थ है वो कहाँ तक जाएगा और तुम्हारी देश है कहाँ तक ग्रोथ करेगी, ठीक है। द फॉलोअर्स ऑफ एडम स्मिथ मेड वेल्थ एज द सब्जेक्ट मैटर एंड सेंट्रल पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इग्नोर्ड द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। जो फॉलोअर थे एडम स्मिथ के, जो एडम स्मिथ को सपोर्ट करते थे, उन लोगों ने खास करके इस जो सब्जेक्ट मैटर, धन का जो सब्जेक्ट मैटर था, उसको ज़्यादा ही तवज्जो दिया और इग्नोर किया, किस चीज़ को, ह्यूमन वेलफेयर को इग्नोर किया, ठीक है। तो ये बस मैंने एक बेसिक नॉलेज के लिए बता दिया, मेरे पास इंग्लिश की बनी हुई थी, ठीक है, लेकिन आप अपना बस इतना माइंड में रखिए कि इनका जो मेन जो फोकस था वो धन पे था, ठीक है, कि वो कैसे करके, जो कैसे भी करके आप अपने देश की जो भी रिसोर्सेज है, जो भी आपके देश में है, उस चीज़ को आप इंक्वायरी करिए, आप जांचिए, देखिए, समझिए और उस रिसोर्सेज को आप दिमाग लगाइए कि आप कैसे, क्या क्या फैक्टर इस्तेमाल करके आप उसका बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्शन बना सकते हो और अपने देश को ज़्यादा से ज़्यादा धनी बना सकते हो, ठीक है। अब सेकेंड नंबर में हम लोग आते हैं, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, कल्याणवादी विचारधारा, ठीक है। कल्याणवादी विचारधारा क्या है, वेलफेयर कंसेप्ट कहता है, कहते हैं मार्शल, यहाँ पर जो मार्शल है उन्होंने डिफाइन किया था, मार्शल एवं उनके जो भी समकालीन अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को विषय सामग्री में धन के स्थान पर, उन लोगों ने धन के स्थान पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दिया था, मानव कल्याण, जो यहाँ पे इन लोगों ने इग्नोर किया था ह्यूमन वेलफेयर को, इन लोगों ने जो किन लोगों ने ह्यूमन वेलफेयर को इग्नोर किया था, जो एडम स्मिथ के दौर में थे और एडम स्मिथ के टाइम के लोग, ठीक है, और एडम स्मिथ भी, उन्होंने ह्यूमन वेलफेयर को इग्नोर किया था, लेकिन जो जो आपके मार्शल जो हैं उन्होंने ज़्यादा तवज्जो किसको दिया, मानव कल्याण की विचार को, ठीक है, स्थापना की। कल्याणवादी विचारधारा के अनुसार अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में उन आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए जिनका संबंध भौतिक कल्याण से होता है। इनका कहना था कि कल्याणवादी विचारधारा से इनका कहना था, इनका मतलब था, इनका जो विषय सामग्री जो था, इनका कहना था कि जो भी आर्थिक क्रिया होती है, जो भी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है, उसमें जो भी चीज़ें सम्मिलित हैं, जो उसमें इन्वॉल्व है, उसमें जो इन्वॉल्व होना चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, फिज़िकल वेलफेयर के बेस पर होना चाहिए, फिज़िकल वेलफेयर के बेस पे होना चाहिए। और आप बेहतर तरीके से देखो यहाँ पे समझ सकते हो, मैं आपको दिखाती हूँ, एडम स्मिथ का डेफिनेशन यहाँ पे हिंदी में ही है, थोड़ा सा स्क्रीन छोटा करूँगी, देखोगे यहाँ पे, हाँ यहाँ पे थर्ड नंबर में देखना, ये जो अल्फ्रेड मार्शल है, इन्होंने कहा कि वास्तव में धन केवल एक साधन मात्र है, जो इन्होंने इम्पोर्टेंस जो धन का जो है, धन को उन्होंने बोला है कि एक साधन है, एक जरिया है, ठीक है, वास्तव में जो धन है वो क्या है, एक केवल साधन मात्र है और मनुष्य का कल्याण साध्य है। कहने का मतलब है कि धन जो है, धन से ऑब्वियसली हम अपनी भूख को जो है, जो हमें भूख लगती है उसको हम मिटा सकते हैं, हम अपना पेट भर सकते हैं, ठीक है ना, अपना हम पेट तो भर लेते हैं, लेकिन जो सेटिस्फैक्शंस, किसी चीज़ को लेकर सेटिस्फैक्शन, वो हमको धन नहीं देती है। इट्स अ वेरी बेस्ट एग्जांपल आई कैन टेल यू, जैसे कि मैं थोड़ा सा अनदर, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ, दैट इज़ योर रिगार्डिंग हाउस और होम, ठीक है ना। हाउस और होम कहने का मतलब, मकान तो आप पैसे से बना लोगे, यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, करोड़ रुपया दिया तो आप बेस्ट से बेस्ट मकान आप बना लीजिएगा, बेस्ट से बेस्ट आप हाउस बना लोगे, लेकिन होम जो है वो प्यार से, शिद्दत से बनती है, परिवार से बनती है, ठीक है, मतलब घर जो है एक एक विचार से, एक संस्कार से आपका घर बनता है, वो
पैसे से नहीं बनता है। और आपका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ, इतना आप अडल्ट आई थिंक सो हो चुके हो, यू कैन अंडरस्टैंड इट, सेक्स जो है, सेक्स कैन बाई बाई मनी। सेक्स को आप पैसे से तो खरीद सकते हो, बट जो लव होता है, प्यार होता है, फीलिंग होता है, उसको आप पैसे से परचेस नहीं कर सकते हो। इस सेंस में आप समझ सकते हैं और आई थिंक सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस मीनिंग कि वास्तव में धन केवल क्या है, एक साधन मात्र है और मनुष्य का कल्याण जो है साध्य है। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड। इकोनॉमिक्स, इनका मानना है, मार्शल का मानना है कि इकोनॉमिक्स जो है वो क्या है, स्टडी ऑफ मैनकाइंड, मतलब मानव की स्टडी करना। इन द ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ, उनकी जो ऑर्डिनरी, जो आम जनजीवन है, उनका जो आम जनजीवन है, उस सबको हमको स्टडी करना है, ठीक है। इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शंस। ये एग्जामिन करना हमें है कि हर एक व्यक्ति को हम एग्जामिन करें, हर एक आदमी के सोशल एक्शन को हम एग्जामिन करें, विच इज मोस्ट, एक सेकेंड, विच इज मोस्ट, थोड़ा सा इसको फैलाना पड़ेगा, दिख रहा होगा अभी थोड़ा सा, देखो यहाँ पे, विच इज़ मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एंड विद द यूज़ ऑफ मटेरियल रिक्विजिट ऑफ वेलबींग, जो कि बहुत ज़्यादा क्लोज है, कनेक्टेड है, जो भी अटेनमेंट होती है विद द यूज़ ऑफ जो भी मटेरियल, जो फिज़िकल, जो आपका मटेरियल, जितना ही फिज़िकल मटेरियल्स आपके पास है, उससे आप उनका वेलबींग कर सकते हो, उनका आप कल्याण कर सकते हो। उसी इंग्लिश को मैंने यहाँ पे हिंदी में भी लिख दिया है, जिनको आसानी होगी आप बच्चों को। देखो, अर्थशास्त्र मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन करता है जो वह जीवन की साधारण दिनचर्या में करता है। हर चीज़, और बात सही भी है, हमारा हर एक एक्टिविटी में, हमारी एक एक एक्टिविटी को स्टडी करनी चाहिए, दिनचर्या में करता है, तथा वह हर एक प्रयास, हर एक हमारा जो कोशिश होता है, जो सुखी जीवन के लिए आवश्यक भौतिक साधन जुटाने में करता है। भौतिक साधन कहने का मतलब कपड़ा है, फूड है, घर है, आप जो स्टडी पढ़ रहे हो, सर्विसेज ले रहे हो, आप इतना चीज़ ला कहाँ से रहे हैं, मतलब जो भी आप ला रहे हो, कहीं ना कहीं अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए ना कर रहे हो। जब कोई भी आदमी का अगर बेसिक सबसे पहला चीज़ बात करें, तो सबसे पहले कोई भी आदमी कोशिश करता है कि तीन वक्त का वो खाना, दो वक्त का खाना, अपना पेट वो भरे, उसके बाद उसको कपड़ा चाहिए, उसको मकान चाहिए, उसकी स्वास्थ्य अच्छी रहे। तो वो जो भौतिक जो साधन जो आप जुटाने की जद्दोजहद में लगे रहते हो, वो कहीं ना कहीं क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। और वो भौतिक साधन जुटाने में आप कैसे जुटाते हो, ऑब्वियसली उसके लिए आपको काम करना पड़ता है, आपको धन अर्जन करना पड़ता है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका हो गया मार्शल के बारे में। अब हम लोग आते हैं, वो इंग्लिश वाली जरूरत तो ये इतना काफ़ी है आपके लिए। चलो अब आते हैं इसमें स्कैर्सिटी कंसेप्ट। थर्ड नंबर आपको दिख रहा होगा अपने स्क्रीन पर, देखोगे आपके बुक्स के, इस दुर्लभ संबंधी विचारधारा स्कैर्सिटी कंसेप्ट, इसको किसने दिया था, रॉबिन्स ने दिया था। रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में सीमित साधन, सीमित, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, सीमित साधन, इसे मैंने डिस्कस भी किया था पिछले क्लासेस में, आई थिंक इंट्रोडक्शन में ही मैंने डिस्कस किया था, सीमित साधन, हमारे पास जो साधन है वो क्या है, लिमिटेड है, वी, हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड है, और असीमित साध्य, हमारी जो ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएँ हैं, वो क्या है, असीमित है, अनलिमिटेड है, ठीक है। ये इन्होंने जो बोला कि रॉबिन्स का जो विषय सामग्री था वो था सीमित साधन और असीमित साध्यों से संबंधित चुनाव समस्याओं को सम्मिलित किया। इन्होंने कहा कि देखो, हमारे पास तो साधन सीमित है, तो हमें, हमारे लिए जो सबसे नीड है, जो ज़रूरत है, जिसकी हमें सख्त सख्त अभी ही चाहिए, उसके लिए हमें, हमको क्या करना होगा, चुनाव करना होगा। सबसे पहला प्रायोरिटी हमको किसको देना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे घर में कुछ ऐसी समस्या आ गई, सपोज़ दैट, जैसे कि आपका ब्रदर को MBA करने जाना है, उसी वक्त पता चलता है अनफॉर्चुनेटली आपके फादर के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, तो भले ही आपके, अब आपके पास पैसा, मान लो वहाँ पे 1,00,000 रुपया था जहाँ पे आपको एडमिशन कराना था MBA में ही, अब मानते हो आप टैलेंटेड हो, तेज हो, लेकिन सबसे पहला आपका प्रायोरिटी क्या हो कि आप मेडिकल में आप जाइएगा, आप अपने पेरेंट्स को वहाँ पे ट्रीटमेंट दिलवाइएगा, आप उस वक्त सोच ही नहीं सकते हो एडमिशन के बारे में, ठीक है। हाँ, अगर आपके पास बहुत पैसा होगा, देर इज़ नो डाउट यू कैन डू बोथ ऑफ थिंग, लेकिन अगर आपके पास साधन ही सीमित है और उसी साधन में आपको दोनों चीज़ करना है, तो सबसे पहले आप किसी को बचाने के बारे में सोचोगे,
ठीक है। सपोज दैट जैसे कि आपके घर में डेली 1 kg दूध आती है, माल सपोज जैसे कि आप 4 मेंबर हो या 3 मेंबर हो, तो डेली आप 2 कप या 3 कप चाय पीते थे और जो रेस्ट को आपने दूध बना दिया, ठीक है, मतलब दूध बनाया नहीं, सॉरी, आपने दूध पिया ड्रिंक एट नाइट, ठीक है, आपने ये काम किया, या हार्डली आप कुछ थोड़ा बहुत अपने दही कर्ड बना दिया, ठीक है। लेकिन अगर फॉर्चुनेटली बोलो या अनफॉर्चुनेटली अचानक आपके घर में कुछ गेस्ट आ जाएंगे, तो आपकी जो क्वांटिटी जो है 1 kg की, वो तो अचानक नहीं बढ़ जाएगी। आप ऐसा थोड़ी बोलोगे दूध वाले को कि भैया तुरंत ला करके 1 किलो और दूध दे दो, गेस्ट आ गया, क्योंकि क्योंकि आपका जो बजट है वो आपको अलाउ नहीं करेगा, आपका वो सीमित एक साधन है। अब क्या करोगे आप, जो दूध आप पीते हैं शायद उस रात आप इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके चाय बनाने में या जो आपने जो भी रिफ्रेशमेंट बनाए होंगे दूध का प्रयोग किया होगा, तो आपने वहाँ पर चुनाव किया, ठीक है। तो ये चुनाव की समस्या को इन्होंने सम्मिलित किया है, किसने, रॉबिन्स ने। रॉबिन्स के विचार में अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में मानव व्यवहार, जो मानव का जो व्यवहार है, कि उन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनमें मानव अपने सीमित, इनका जो इन्होंने बोला कि जो भी मानव का जो भी क्रिया है उसमें खासकर इन्होंने फोकस किया कि मानव की जो सीमित साधन है तथा अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयास करते हैं। मतलब इनका जो स्टडी है मानव जाति पर, वो बोल रहे हैं कि हर एक मानव जाति का अपना एक सीमित साधन होता है और उसकी आवश्यकता क्या होती है, असीमित है, तो इस पर वो ज़्यादा फोकस किए हैं कि इस पर हमें स्टडी करना चाहिए और उसका जो चुनाव है उस समस्या को हल करना चाहिए, ठीक है। अब आप देखोगे इसका, मैंने रॉबिन्स का यहाँ पर आप देख सकते हो, लॉर्ड रॉबिन्स दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर, थोड़ा सा ये वीडियो लंबा जाएगा कंप्लीट करना है। देखो लॉर्ड रॉबिन्स इंग्लिश में क्या बोलता है, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन इंट्स एंड स्कार्स, मींस विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। इंट्स एंड स्कार्स कहने का मतलब, स्कार्स मतलब क्या होता है, कमियां, कभी ना कभी, और इंट्स मतलब क्या, कभी ना कभी वो खत्म होगी, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स क्या है, एक साइंस है विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है, किसके रिलेशनशिप के बीच का, इंट एंड स्कार के बीच में, स्कार्स के बीच में, और जहाँ पर आपको अल्टरनेटिव यूजेस भी करनी है, जैसे कि कोयला है, दूध है, तो आपका क्या है, वहाँ पे एक कोयला का बहुत सारा इस्तेमाल कर रहे हो ना, दूध का बहुत चीज़ में इस्तेमाल कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत चीज़ में इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, तो कभी ना कभी कोयला तो ख़त्म होएगा ना भाई, इसकी कमियाँ भी तो है, कभी ना कभी तो ख़त्म होगी ही, ठीक है। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स साइंस बोलते हैं, ये कहते हैं, देखो हिंदी में क्या बोलता है, कि जो अर्थशास्त्र है वह विज्ञान है जो अनेक उद्देश्यों और वैकल्पिक उपयोगों वाले दुर्लभ साधनों के संबंध में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। जो चीज़ें मैंने बोली है इंग्लिश में, वही इसको हिंदी में लिखा गया है यहाँ पे। धीरे धीरे ये सभी तत्व जुड़ते चले गए, इनके अंडर में आते चले गए रॉबिन्स के तहत, कि राष्ट्रीय आय के बारे में, नासा इनकम के बारे में, फिर नॉट सॉरी एक्चुअली दूसरा चीज़ है, मतलब ये एक्चुअली इकोनॉमिक्स के कुछ, मतलब जैसे कि मेरा कहना है, ये जो तत्व बोला जा रहा है सब्जेक्ट मैटर, मतलब यहाँ पर आ गया है, एक्चुअली यहीं तक आप ध्यान दीजिएगा, व्यवहार का अध्ययन करता है ये, जो धीरे धीरे ये सभी तत्व जुड़ते चले गए, जो लिखा हुआ है एक्चुअली यहाँ पे है कि जैसे कि अभी हमने सब्जेक्ट मैटर को 4 पार्ट में बांटा हुआ है ना, तो फिर धीरे धीरे क्या होते गया कि ये सब चीज़ें भी इकोनॉमिक्स एक पार्ट बनते चला गया, ठीक है, इसको लीव इट करो अभी। चलो अब 4 नंबर आपका आता है, दैट इज़ योर विकास केंद्रित विचारधारा, ग्रोथ कंसेप्ट। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने विकास केंद्रित क्रियाओं को अर्थशास्त्र को विषय सामग्री में सम्मिलित किया। जो मॉडर्न जो इकोनॉमिस्ट, जो वही मॉडर्न जो इकोनॉमिस्ट हैं, उनका जो टारगेट था वो बेसिकली था कि हमारा जो सेंट्रल जो कंसेप्ट हो वो किस पर हो, ग्रोथ पर हो, विकास पर हो, ठीक है। इसको किसने दिया है, सैमुएलसन, मैंने पहले बताया था किसको, सैमुएलसन ने दिया है। सैमुएलसन के अनुसार अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में सीमित साधनों का वितरण, जो हमारे पास साधन है, सीमित साधन है, कोयला सीमित साधन है, पेट्रोल सीमित साधन है, पेड़ सीमित साधन है, जो भी सीमित साधन है उसका सही ढंग से वितरण हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, सबके बीच में हो, ठीक है, एवं आर्थिक विकास हो, मतलब एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, दोनों पहलुओं को सम्मिलित किया जाता है। इन्होंने 2 चीज़ को फोकस किया हुआ है, किस चीज़ को, साधनों का वितरण और आर्थिक विकास को, राइट। तो आई थिंक सो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा मैं
इनका बता देती हूँ। हमारे जो रॉबिन्स ने जो बोला है इसका इंग्लिश का मेरे पास है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे। प्रोफेसर रॉबिन्स का जो ग्रोथ डेफिनेशन चौथा नंबर आपको दिख रहा है यहाँ पे, 1948 में दिया था इन्होंने, प्रोफेसर पॉल ए सैमुलसन हैज़ गिवन, यहाँ पे पूरा है, थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे बोला है अ न्यू डेफिनेशन इकोनॉमिक्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स, इन्होंने दिया था सैमुलसन ने, कहा है इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज। इनका मानना है कि इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी जो करता है कैसे हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज, मैन जो एक आम आदमी है या फिर कोई सोसाइटी कैसे चूज करे, सबसे पहला चीज का स्टडी ये करना, और ये रियल में है। सेकेंड चैप्टर में आपको पूरा पढ़ना है, चॉइस बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप सोच भी नहीं सकते हो। देखो टेंथ क्लास तक में आपने चूज़ नहीं किया था कि आपको कॉमर्स में जाना है, साइंस में जाना है, आर्ट्स में जाना है, ठीक है। इसके बारे में शिव खेड़ा जी ने भी बहुत अच्छी बात एक बोली थी, मैंने यूट्यूब में देखा था उनके स्टेटमेंट में, कि जब तक आप चॉइस नहीं करते तब तक आप फ्री हो, फ्रीडम आपके पास है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही आपने चॉइस कर लिया फिर आपकी मजबूरी हो जाती है उस चीज़ में इन्वॉल्व होना। अगर आपने चॉइस कर लिया कॉमर्स, बहुत सोच समझ के किया तो फिर मजबूरी नहीं है, वो फिर इंटरेस्टिंग हो जाएगा। लेकिन बस एवी आपने कॉमर्स ले लिया, साइंस ले लिया, ठीक है ना, तो आप मुश्किल में पड़ोगे। तो चॉइस करने से पहले आपको बहुत सोचना पड़ेगा कि प्रायोरिटी क्या है, हर एंगल को, हर फैक्टर को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो वही बोलते हैं इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज विथ और विदाउट द यूज़ ऑफ मनी, मनी के साथ। ज़रूरी है कि हर काम हम लोग मनी के साथ ही करते हैं और हर काम बिना मनी के साथ ही करते हैं। जैसे वेलफेयर का काम आप करते हो, क्या वहाँ पे आप एक्सपेक्टेशन रखते हो कि कोई हमको मनी दे? नहीं। जैसे मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू गाइज कि आप यू जस्ट पेड मी मनी, आप मुझे फीस दे, प्रोवाइड करिए पैसे के लिए, प्रीमियम आप मुझे दीजिए। आई हैवंट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, मेरे को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, बस मेरा दिल है कि मैं जितना हो सके इस बुक को फॉलो करूँ और जितने बिहार बोर्ड के बच्चे हैं या झारखंड बोर्ड के बच्चे, खास करके जो हिंदी क्षेत्र राज्य के जो बच्चे हैं उन्हें बहुत परेशानी होती है, तो उनके लिए मेरी छोटी सी कोशिश है, मदद है। और कहीं ना कहीं इस बाहर इस छोटे से कोशिश से कहीं ना कहीं मैं एक देश की सेवा भी कर रही हूँ। बहुत इनर भी फीलिंग आती है कि हाँ अपने कुछ ना कुछ अपने देश के लिए करना चाहिए, ठीक है। तो हम जब वेलफेयर का काम करते हैं तो वहाँ विदाउट मनी होता है, ठीक है। कुछ एक्टिविटी, जैसे सपोज दैट मैं अगर गवर्नमेंट जॉब कर रही हूँ तो वहाँ पे क्या है, मेरे को सैलरी मिल रही है, पैसा मिल रहा है, तो अपना कर्तव्य होता है कि नहीं, या सरकार मेरे को इतना सैलरी दे रहा है, मुझे बहुत काम करना है, मुझे अपनी ड्यूटी अच्छे से निभानी है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज विद और विदाउट द यूज़ ऑफ मनी टू एम्प्लॉय स्कार्स, जो रियल लाइफ में टू एम्प्लॉय स्कार्स, जो स्कार्स जो जिस चीज़ों की कमी है उसको सही ढंग से आप इम्प्लॉय करें, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज बनाएं। अब मान लीजिए आपके पास हेमाटाइट है, बॉक्साइट है, कोयला है, कुछ चीज़ें फेंकी हुई हैं, बर्बाद हो रही हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको मालूम है ये इस चीज़ की स्कैर्सिटी है, उसका हम सही से सही क्या करें, सदुपयोग करें। विच कुड हैव अल्टरनेटिव यूजेस, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अल्टरनेटिव यूजेस, मैंने एग्जाम्पल बताया आपको इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के, इलेक्ट्रिसिटी का क्या है अल्टरनेटिव यूजेस है। अब क्या हो रहा है कि हमारे गांव में विलेजेस साइड में कंट्री साइड में बिजली नहीं जा पा रही, और हम शहर में क्या कर रहे हैं, फ़ैन चल रहा है, टीवी चल रहा है, बस सब कुछ ऑन है, छोड़ दिया है। तो हमें यहाँ पे समझना चाहिए, ठीक है, कि अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं बहुत सारी चीज़ों को जिसकी स्कैर्सिटी है। टू प्रोड्यूस वेरियस कॉमोडिटीज ओवर अ टाइम, कोई भी पर्टिकुलर कोई गुड्स होता है तो उसका एक पर्टिकुलर टाइम में उसके अलग अलग चीज़ प्रोडक्शंस होते हैं। जैसे आपका एग्जांपल बेस्ट होगा दूध, दूध से हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, ठीक है, एंड डिस्ट्रीब्यूट देम फॉर कंजप्शन नाउ एंड इन द फ्यूचर अमंग वेरियस पीपल एंड ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी। और इस चीज़ को हम क्या करें, सही तरीके से बैलेंस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट करें पीपल में और ग्रुप ऑफ सोसाइटी के बीच में। जैसे कि मान लीजिए सरकार के पास, हम लोग क्या करते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं, ठीक है, सरकार का हमारा जो टैक्स होता है वो सरकार का क्या होता है, रेवेन्यू होता है। अब सरकार वहाँ पे क्या करेगी, सारे हमारे जो रेवेन्यू है उसका 50% सपोज दैट वो आर्मी नेवी और एयरफोर्स में खर्चा कर दे,
तो हम आम जो लोग हैं, हम आम जो जनता है, हमारे लिए प्रॉब्लम आएगी क्योंकि हमारा एजुकेशन अच्छा नहीं हो रहा है, हमारी जो हेल्थ जो सिस्टम है वो अच्छी नहीं हो रही है, हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव जो है जो सिविलाइज जो सिविलियन में वो अच्छी नहीं हो रही है। और हम किस पे खर्च कर रहे हैं? बॉर्डर पे खर्च कर रहे हैं, ये सोच करके कि कहीं वार ना चालू हो जाए। तो यहाँ पे डिसाइड आपको करना होगा कि आपके पास जो रिसोर्सेज है उसका आप किस तरह से सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करें। अब ऐसा नहीं है कि पूरा BPL को ही फ्री में खाना देना चालू कर दिए, ठीक है, तो पता चलेगा कि मैक्सिमम BPL हो या बहुत ऐसे आपने कैटेगराइज बना दिया कि इतने करोड़ों लोगों को तो हमको फ्री में ही खाना देना है। तो फिर अगर आप फ्री में भी देना चालू कर दोगे तो फिर लोग काम नहीं करेंगे, तो फिर आपका देश आगे बढ़ेगा भी नहीं, ये भी प्रॉब्लम है। अगर गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी भी देना चालू कर देगी तो भी प्रॉब्लम है। तो हर चीज़ को आपको बैलेंस लेके चलना है। ये चीज़ यहाँ पे क्या बोलते हैं, सैमुअलसन ने अपने ग्रोथ डेफिनेशन में दिया हुआ है, ठीक है। तो आप जो बेसिक जो फोकस करोगे, मैं आपको एक बात बोलूँगी, बेसिक जो आपको फोकस करना है वो सिर्फ इस बुक को फोकस करिए और एक दो बार मेरी वीडियो को आप देख लीजिए, ठीक है। सो इतना काफ़ी होगा इन क्लास 12 में, और ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा डेप्थ में पूछेगा ही नहीं आपसे, आपके पास बहुत सारे चैप्टर जो डेप्थ में पढ़ने हैं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।